ब्रांच का इनोग्रेशन था, तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। और इनफैक्ट हम लोग ने 9 तारीख को राशन किट करीबन 1150 लोग को बांटा है, तो उस हिसाब से तो मेरे को तभी से ही बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद कमा के हम लोग ने काम किया है तो बहुत अच्छा लगा। भाई जी, जिस तरह से देखा जाए कि आप आज आपके जन्मदिन पर काफ़ी अलग चीज़ों का भी उद्घाटन किया है और यहाँ पे कुछ अलग रौनक देखने को मिली। गरबा खेल, क्योंकि गरबा खत्म हो चुका है, आप जन्मदिन पे खुशियाँ मनाने के लिए गरबा खेले, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब ऐसा होता है कि गुजराती को गरबा आप लगा दो तो उसमें स्फूर्ति अपने आप आ जाती है। जन्मदिन के साथ साथ एक बहुत बड़े इंसान का भी, अमिताभ बच्चन जी का भी जन्मदिन है, क्या कुछ कैसा लग रहा है उनके साथ जन्मदिन आपका? बिग भी है, हम स्मॉल भी है, और अमिताभ बच्चन है, बच्चन बिग भी है, मैं भावेश दोषी हूँ, मैं स्मॉल भी हूँ तारीख। और मेरे पिताजी का भी बर्थडे आज 11 अक्टूबर है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा महत्व का है। सर, जिस तरह से देखा जाए आपका जन्मदिन है, आपने अपने माता पिता से क्या मांगा है अपने जन्मदिन पे? पहले तो गुरु माता पिता दोनों होते हैं, लेकिन इस पर आप क्या करना चाहेंगे बताइए। देखिए, माता पिता जो कर सकते हैं वो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, तो माता पिता से तो ऑलवेज हम लोग इतना मांगते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख दे, संपत्ति दे, शांति दे और संप दे घर में। और हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी, आपको हमने सुना है कि इलेक्शन का टिकट मिलने वाला है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन का टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो पार्टी पे निर्भर है, अपने को काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जरूर मेरे को टिकट मिला तो मैं ये दावे के साथ बोलूँगा कि वार्ड नंबर 46 को 227 वार्ड में एक मॉडल वार्ड के तरह डेवलप करूँगा और खूब सारा काम करने का है यहाँ पर, जो 50 सालों से नहीं हुआ है वो काम हम लोग करके दिखाएंगे। सर, आपके जन्मदिन जैसे आज है, इसके बाद आपने बहुत सारे शुभकामनाएं, कौन से अलग अलग कार्य करने वाले हैं आने वाले टाइम? देखिए, अभी तो थोड़ा दिवाली का माहौल है, चाहे कुछ भी काम करेंगे तो भी थोड़ा पब्लिक को जुटाना डिफिकल्ट होगा, पब्लिक के लिए भी थोड़ा व्यस्त हो गए, नौकरी धंधे में व्यवसाय में वो लोग व्यस्त हो गए, तो दिवाली के बाद हमको करीबन समझो ना कि पूरे मलाड में 6000 राशन किट बांटना है और बाद में हमको साड़ी बांटनी है और बहुत कुछ कर रहे हैं। लकी हूँ कि मेरे को भगवान ने इतना अच्छा केयरिंग सपोर्ट देने वाले जीवन साथी दिया है। हम लोग की मोस्ट ऑफ फिलोसॉफी और सोच एक जैसी है, तो सब लोग आशीर्वाद, भगवान और बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दे, हम दोनों मिलके मानव कल्याण, पशु कल्याण, सृष्टि कल्याण का काम कर सकते। ऐसे तो भावेश एकदम परफेक्ट है, साथ में रहेंगे तो मेरे को सब कुछ परफेक्ट लगता है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर परफेक्ट। के जेमनो आज 54मो जन्म दिवस छे, એટલે 24મો જ કહેવાય, 30મો તો આમ નમ ગયા હોય, એટલે 24 અત્યારે જે કામ કરે છે કે જે 54 વર્ષના કામ ન કર્યું હોય એ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી મારી પીઠમાં જોડાયેલા છે, ઘણી સંસ્થામાં જોડાયેલા છે, ને બહુ ટૂંક સમયમાં પોલિટિક્સમાં આવી અને આજે બીજેપીની અંદર આવ્યા, ને તે પછી અત્યારે જે બીજેપીના હિસાબે આજે છેલ્લા 15 દિવસથી આપણે કાર્ય જોઈ રહ્યા છીએ કે કાનના મશીન આપવા, 5000નો ચેક આપવો, કિટ્સ આપી, અનાજની કિટ્સ આપી, આ બધું વિતરણ ચાલુ કર્યું છે ને બધું કરે છે। અમારી તો એક જ શુભેચ્છા કે અમારી સાથે અમારા દીકરાને જેવો છે જોડાયેલો છે ને સારું કામ, ખૂબ જ સારું કામ કરે છે, મલાડ સંઘમાં, મારી ક્લિનિકમાં, બીજી અનેક સંસ્થાઓ સાથે જોડાય ને બધી સંસ્થાનું સારામાં સારું કામ કરે। શેરી શેરી મેં એક હી નામ ગુજરાય, રૂપાબેન ઓર ભાવેશભાઈ, રૂપાબેન, ભાવેશભાઈ ઓર દોષી પરિવાર, ઉતને ઇતને અચ્છે અચ્છે સામાજિક કાર્ય કિયે હૈ કે ઉસકી ગણના કરના મુશ્કિલ હૈ। હર દિન કુછ ને કુછ ઉનકા પ્રોગ્રામ રહેતા હૈ, તો વે હિસાબ સે ઉન્હોને એક મહિના પહેલે સે હી અપના બર્થડે સેલિબ્રેશન શરૂ કિયા થા, તો હમારી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છા હૈ। યે હૈ કી ભાવેશભાઈ દોષી બહોત હી શોર્ટ સમય મેં પાર્ટી મેં નહીં લેકિન સમાજ મેં તો કાફી સાલોં સે કામ કર રહે હૈ, पार्टी में तो कहीं भी काम करते हैं लोग, नेता हो, कार्यकर्ता हो, लेकिन समाज का काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और समाज के साथ जुड़े रहकर भावेश भाई ने जो ग्राउंड लेवल से बड़ा काम किया है उस लेवल के लिए मैं आगे भी भावेश भाई इसी तरह बड़े अच्छे कार्य करें उसकी मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुनहरे माहौल में जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो हाफ सेंचुरी पार करके 54 के उम्र में उन्होंने प्रवेश किया है। और जहां तक मैं भावेश भाई को जानता हूं, एक अच्छे कुशल नागरिक तो है ही, साथ में मानवता के जीवन में
जो मानव का कर्तव्य होता है कि किस प्रकार से समाज से जुड़ करके, यानी जमीन से जुड़ करके और आकाश तक के बीच में जितने भी चीज निवास करते हैं उसमें मनुष्य जो एक ज्ञानधारी प्राणी है,